दोस्तों, सोनम कपूर की फिल्म नीरजा सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म में उन्होंने नीरजा का किरदार निभाया है। नीरजा भनोट एक भारतीय लड़की जिन्हें पूरी दुनिया हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में जानती है। दरअसल 5 सितंबर 1986 को अपने बर्थडे से 2 दिन पहले नीरजा एयर होस्टेज के तौर पर जिस प्लेन में थी उसे 4 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। जैसे ही नीरजा को ये बात पता चली उन्होंने चुपके से पायलट को इन्फॉर्म कर दिया। फिर पायलट सुरक्षित प्लेन से बाहर चले गए। इसके बाद आतंकियों ने प्लेन को गन पॉइंट पर ले लिया और पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाया कि वे जल्दी से पायलट भेजे। पाकिस्तानी सरकार ने मना कर दिया तो आतंकियों ने नीरजा को बुलाकर कहा कि वे सभी यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठा करें ताकि वे आतंकी किसी अमेरिकन नागरिक को मारकर पाकिस्तान पर दबाव बना सकें। इसके बाद नीरजा ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठा किए और प्लेन में बैठे 5 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छुपाकर बाकी आतंकियों को दे दिए। धीरे धीरे 16 घंटे बीत गए। पाकिस्तानी सरकार और आतंकियों के बीच बात का कोई नतीजा नहीं निकला। आपको बता दें कि नीरजा को मालूम था कि प्लेन का ईंधन खत्म होने वाला है और धीरे धीरे प्लेन में अंधेरा छा जाएगा। फिर नीरजा ने अपने क्रू मेंबर के साथ मिलकर यात्रियों को खाना देने को कहा और खाने के साथ साथ छुपके से प्लेन के इमरजेंसी डोर्स के बारे में समझाने वाला कार्ड भी सभी यात्रियों को दे दिया ताकि वे पहचान कर लें कि इमरजेंसी डोर्स कहाँ कहाँ हैं। जैसे ही प्लेन में अंधेरा छाया नीरजा ने जल्दी से इमरजेंसी डोर्स खोल दिए। ये देखते ही आतंकियों ने अंधेरे में ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन नीरजा ने बहादुरी से सारे यात्रियों को प्लेन से बाहर भेज दिया। इतने में पाकिस्तानी सेना के कमांडोज ने आकर 3 आतंकियों को मार दिया। तभी नीरजा को कुछ बच्चों के रोने की आवाज आई। नीरजा उन बच्चों को बचाने गई, तभी 4th आतंकी ने कई गोलियां उनके सीने में उतार दी। नीरजा ने उन बच्चों को इमरजेंसी डोर से बाहर निकाल दिया और खुद बहादुरी की मिसाल बनकर इस दुनिया से चली गई। पाकिस्तानी कमांडोज ने 4th आतंकी को तो मार दिया पर नीरजा को नहीं बचा पाए। तो ये थी बहादुर नीरजा भनोट की कहानी, जिनकी बहादुरी की वजह से पाकिस्तान ही नहीं US में भी उन्हें पूजा जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको नीरजा की कहानी पसंद आई हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।